صلوا عليه وسلموا تسليما.
अर्शे जमी से अर्शे तकी शोरा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्शे तकी शोरा हुसैन का, कौनैन में बुलंद हुसैन का, बेमिसल है जहां में, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बड़ा ही आलीशान है घराना हुसैन का, बड़ा ही आलीशान है घराना हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। अल्लाह का कबूल आशीन का शुक्र और रसूल करीम रब्बुल रहीम रहमतुल लिल आलमीन ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत है कि असी अल्लाह करीम दे पाक और मुकद्दस घर दे अंदर अल्लाह ताला दी हमद व सना और रसूल कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया अलैहि सलातो व सलाम दी सिफत व सना जुमा को मुबारक दी अदायगी और अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के वास्ते हाजिर हां, दुआए मौला ताला कबूल फरमा के जरिया निजात बनाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद का पारा नंबर 4 सूरत आल इमरान उसकी आयत नंबर 169 तिलावत की है। तुसा सुनिया है दुआए मौला ताला कुरान सुन्नत ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। ये वाक्य मुबारक मुहर्रम अल हराम शरीफ का बाबरकत महीना है। इस महीने की 10 तारीख को नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल राकबे दोषी मुस्तफा हजरत सैयदना इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके रूफाका दीने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर मैदान करबला के अंदर शहीद हो गए और क़यामत तक अपने नाना जान की आन वाली उम्मत को तरस दे गए कि ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों जिस वक्त भी दीन इस्लाम ते रकीक हमले हो रहे हो शरीयत की हदूद व कयूद को तोड़ा जा रहा हो
फासिकुल फातिम हुकमरान मुसलत हो जान, फिर तुहाडे वास्ते नमूना मौला हुसैन पेश कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन अल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाही अमवाता, और जो लोग अल्लाह करीम के रस्ते के अंदर मारे जान उन्होंने मुर्दा ख्याल नहीं करना, बल अहियाउन, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा ने और अल्लाह ताला उन्होंने रिजक भी अता फरमाता है। फरहीन बिमा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिही, वो खुशियां मना रहे हैं उस चीज ते जो अल्लाह ताला ने अपने फजल दे नाल उन्होंने अता फरमाया है। हुण कुरान मजीद कुरान हमीद नु सामने रखना और मौजूदा हालात नु सामने रखना, फिर एक अकलमंद और गयूर मुसलमान इस नतीजे ते पहुंचेगा कि इमाम अली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काम कर रहे हैं जिंदे ते रब भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है। और बाद वाले आन वाले वास्ते लम्हा फिक्र यह है कि इमाम अली मुकाम वो जिंदा ने, उन्होंने रोजी मिलती है और अल्लाह ताला ने उन्होंने जो फजल किया है उन्हें ते राजी ने खुशियां मना रहे हैं। उन इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जन्नत के आला मुकाम ते फायज हों और खुशियां मना रहे हों तो पिछले गम करन, मातम करन, गमे हुसैन दिया मजलसा करन, उन्हां वास्ते ये तरीका शरीयत दे इस्लामिया दे खिलाफ है। क्यों? गम इस्लाम दे अंदर सिर्फ तीन दिन वास्ते है, उसको बाद मुसलमान फौत हो जाने वाला उसका गम ताज़ा करना, उसके गम की मजलिस करना एक नाजायज और हराम है, बल्कि जिक्र करनी है, महफ़िल पाक अगर करनी है तो जिक्र हुसैन पाक की महफ़िल की जाए, अज़मत हुसैन की महफ़िल की जाए, शान सिहाबा आहले बैत की महफ़िल की जाए। उस महफल के अंदर उनका बेमिसल किरदार, बेमिसल सहावत, बेमिसल शहादत, जुर्रत, बहादरी और उनकी शान और अज़मत बयान करके कौम दसिया जाए कि पाक इमाम अपने जान का गम नहीं बल्कि उन्होंने शरीयत का गम है, दीने इस्लाम की बेहुरमती का गम है और दीने इस्लाम की सरबुलंदी की खातर मौला हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
मदीना को मुनवरा को छोड़या, मक्का को मुकर्रमा को छोड़या और मैदाने करबला के अंदर अपना सारा घराना कुर्बान करके दीने इस्लाम की हिफाजत फरमाई है। जिस वक्त हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दुनिया से तशरीफ लेके आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका इस्म शरीफ खुद रखिया और अपने जो आपे दहन के गुड़ती भी खुद अता करवाया। सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सजे कान में अजान पढ़ी और खब्बे कान में तकबीर पढ़ी है। नबी पाक सलातो सलाम आपने और मौलाए कायनात ने और सजदाए कायनात ने इमाम हसन हुसैन की तरबियत बेमिसाल की थी। इमाम हसन हुसैन की तरबियत करने वाला इमाम अल-अंबिया, इमाम हसन हुसैन की तरबियत करने वाला इमामुल औलिया, इमाम हसन हुसैन की तरबियत करने वाली सैयदा कायनात, सैयदा तो निसाए आलमीन हुए फिर पुत्र भी इमाम हसन ते इमाम हुसैन होते। हजरत सैयदा फातिमा कुज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सलातो सलाम की पाक और मुकद्दस बारगाह के अंदर हाजिर हुईया इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोना शहजादियां नु पकड़या चलदिया चलदिया इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया करीमा का अलैहि सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर हाजिर हो गईया। इब्ने असाकर के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है हजरत सैयदा फातिमा तुज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करदिया ने अब्बा जान मैं तुहाडे कोल एक सवाल करन वास्ते आई हां। अब्बा जान मैं एक सवाल करन वास्ते आई हां। अब्बा मैं दुनिया की दौलत नहीं मंगदी। अब्बा मैं सोना चांदी नहीं मंगती। अब्बा मैं सेमो जर नहीं मंगती। अब्बा मैं मंगन आनी हां मेरे दो शहजादे हसन ते हुसैन ने इन्हां नूं कुछ अता कर देवो। इमाम हसन ते इमाम हुसैन दोनों नूं कुछ अता कर देवो। हुण बेटी ए फातिमा तुज़हरा उनकी पाकी का बुलाए दीवारी है रब फरमाता है वयुतो ही मोनत तो अनु मांगा
मर गए यजीद है।
इस्लाम को जिंदा करने वास्ते अबू बकर बिन अली जिया कुर्बान करना पैंदा है, इस्लाम को जिंदा करने वास्ते औनो मोहम्मद कुर्बान करने पैदे, इस्लाम امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے کے گئے، کسے صحابی نے ماتم کیتا، بولو آقا علیہ السلام دے دنیا تو پردہ کرن دا تھوڑا کام ہے، مگر آقا دے وصال والے دن جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ ولی اللہ دے ایمان تے حملے کیتے، میں سوال یہ کیتا ہے
एक बंदा आग में डिग पैंदा है और दूसरा एसी वाले कमरे में चला जाता है ते रोना क्यों चाहिए जेड़ा आग में गया ते पाक इमाम ता जन्नती नौजवानों का सरदार कदी देखिया यजीदी कुमत है आज भी यजीद की रूहानी औलाद है मानवी औलाद है और लानती जहन्नम में चले गए मगर किसे भी यजीदी ने शिमा का मातम नहीं किया खोली का मातम नहीं किया तो पाक इमाम का मातम किधर आ गया रब भी कहता है वला तहसबन الذين قتلوا शहीद नु मुर्दा नहीं आखना पर के जिंदा ने अगे फरमाया पर की नदीना
चौथी लाख रुपया लेके आना। कितना? मेरा सारे पाकिस्तान ते ईरान ते लादीन जाकरा नू सवाले सारे पाकिस्तान ते ईरान ते जाकर एक पासे आला हजरत प्रेमी दे गुलाम दा सवाल एक पासे। क्या आहले बैत ते इमामा विचो किसे ने एने पैसे लेके मजलिस पढ़ी है? बोलो। क्या आहले ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ
ਛੱਡੀ ਏ ਮਗਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਪੰਨ ਤਰਪਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ be
जदों मेरी आल नाल मुहब्बत करन वाला कयामत दा दिन होएगा लोकी हिसाबो किताब विच मौजूद होणगे हिसाबो किताब दे रहे होणगे फरमाया पहली रात दी दुल्हन नूं जिस तरह अदब दे एहतराम दे नाल दुल्हा दे घर पहुंचाया जांदा है इवें मेरी आल नाल मुहब्बत करन वाले नूं फरिश्ते आणगे रब ताला फरमाएगा फरिश्ते इहनूं इज़्ज़त ਸੱਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ
अच्छा जज नाल प्यार होवे ते लाड़े नाल वैर होवे अकलमंद कहां जज नाल ते लाड़े नाल अली को इमाम मानते हैं मगर जो अली का इमाम अबू बकर है उसको इमाम मानना पड़ेगा क्यों मेरे साहब ओ जज नाल प्यार होवे ते लाड़े नाल वैर होवे उनू बंदा की आखांगे यार बंदा दरगा है ठीक नहीं हैगा लाड़े नाल भी प्यार होना चाहिएगा जज नाल भी प्यार होना चाहिए फिर हुंदा बंदा अंदरों बाहर वेख तवज्जो हजरत उकबा बिन हारिस फरमाते ने अबू बकर ने नमाज पढ़ाई पाक उमर ने भी पीछे नमाज पढ़ी पाक उस्मान ने भी पीछे नमाज पढ़ी हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने मौला हुसैन अकेले
पगड़ी नू उतारे साबित जो बड़ा मनसी फरमाए आदमी बना रही ना कि लगा।